फ्रेंड्स, MWC 2020 को लेकर के आप सभी के दिमाग में होगा बहुत सारा क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारे क्वेश्चन का करूंगा मैं आंसर और आप सभी को बताऊंगा कि MWC 2020 होता क्या है और इसमें कौन कौन से स्मार्टफोन्स ब्रांड करने वाली है पार्टिसिपेट, अपने कौन कौन से स्मार्टफोन को करने वाली है लॉन्च। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल विवेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि MWC 2020 का फुल फॉर्म होता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020। दोस्तों, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है मोबाइल एग्जीबिशन का। मतलब सारे बड़े बड़े कंपनीज जो भी चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारे अपने अपने स्मार्टफोन्स को लेकर के आती है और अपना एग्जीबिट करती है कि हाँ, हम इस ईयर में या फिर नेक्स्ट फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इस बात को एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो कुछ ऐसा होगा कि मान लो कि कोई सिंगर है तो सिंगर जरूर से चाहेगा कि मैं इंडियन आइडल में जाकर के पार्टिसिपेट करूं और विन भी करूं, ताकि दोस्तों उसको पूरा दुनिया पहचान सके। ठीक वैसे ही ये मोबाइल कंपनीज़ की एक इवेंट है जहां पे मोबाइल कंपनीज़ को एक पहचान मिलती है कि वो भी है एक ब्रांड, बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहा है और नेक्स्ट ईयर में ये सारा कुछ लाने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी ऑटो एक्सपो 2020 भी चल रहा है दिल्ली में। दोस्तों, इसमें क्या है कि अपने अपने कंपनीज जो भी ऑटो, जैसे कि टाटा हो गए, BMW की जितनी भी कंपनीज है, वो सारे कंपनीज अपने अपने गाड़ी को शो कर रही है ताकि वो बता सके कि हम फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट कार बनाने वाले हैं, ये वो। ठीक उसी तरह से ये इवेंट भी है मोबाइल फोन्स के लिए। सो फ्रेंड्स, MWC 2020 इवेंट की अगर बात करें तो वो होने वाला है बार्सिलोना स्पेन में। 24th ऑफ फरवरी से स्टार्ट होगी और 27th ऑफ फरवरी को ओवर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब जैसे कि कुछ कंपनीज हैं जो कि कोरोना वायरस के चलते अपने मोबाइल फोन्स को शो नहीं कर पा रही, जैसे कि एक कंपनी है ZTE जो कि चाइनीज़ की एक कंपनी है, तो वो अपने मोबाइल फोन्स को करने वाली थी सामने शो। लेकिन दोस्तों, क्योंकि चाइना में जिस तरह से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस तरह से काफ़ी सारे कंपनीज को काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। उसमें से काफ़ी सारे कंपनी ऐसे हैं दोस्तों जिसको कि अपने जो मतलब वहाँ पे ऑफिसेस हैं वो सारे बंद करने पड़े हैं। सो इसी वजह से ZTE चाइनीज़ कंपनी अपने स्मार्टफोन को MWC 2020 में एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम सभी MWC 2020 में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और एक्सपेक्टेड किस बात के लिए हैं। दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ आ रहे हैं सामने से कि सैमसंग की S20 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जो कि बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द किलर फोन्स होंगे सैमसंग के, तो वो सारे लॉन्च होने वाले हैं इसी इवेंट में। तो देखते हैं, ये भी बहुत एक एक्साइटेड चीज़ होगी। और दोस्तों, साथ में सोनी की Xperia 2, ये भी एक स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी हिट होने वाली है। तो ये दोनों के मैं हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और एक्साइटेड है ये दोनों फोन्स के लॉन्च की MWC 2020 में। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे MWC 2020 के बारे में जो कुछ भी मैंने रिसर्च किया है, पढ़ा है, समझा है और जो कुछ भी मैंने उसमें जाना है, उन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ करने वाला हूँ शेयर आगे आने वाले स्लाइड शो में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में अब आगे एक चलेगा स्लाइड शो। स्लाइड शो में आपको नज़र आएगा कंपनी का नाम ऊपर में और आपको उस कंपनी के स्मार्टफोन्स नीचे में नज़र आएंगे। साथ में जो फोन्स के पिक्चर्स लीक हुए हैं इसी MWC 2020 से, वो सारे स्मार्टफोन के फोटोज भी नज़र आएंगे। तो स्लाइड शो को देखिए। और दोस्तों, आप कौन से स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कौन कौन से स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने कौन कौन से स्मार्टफोन्स को करने वाले लॉन्च इसी MWC 2020 इवेंट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा MWC 2020 के बारे में सारी बातें और सारी कंफ्यूजन हो गए होंगे दूर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हो MWC 2020 के बारे में। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।